नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं कि सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ टुडे। इस वक्त आज 20 जून को भारत में कई संगठनों के माध्यम से भारत बंद का ऐलान किया गया है। साथियों, आप लोग देखेंगे कि अग्निवीर जो योजना है, अग्निवीर जो स्कीम है भारत सरकार के द्वारा लाई गई है, और किस तरह से पूरे देश के अंदर, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कई राज्यों में युवाओं के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर इस योजना का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और इसी को लेकर के साथ साथ पुलिस भी काफ़ी सतर्क नज़र आ रही है। हालांकि आप लोगों को बता दें कि कई संगठनों के माध्यम से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, और कई जगहों पर भारत बंद देखने को भी मिल रहा है। जिस तरह से युवाओं का गुस्सा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, और इसी के बीच में एक बहुत खास बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रेलवे ने भी बड़ा फैसला लिया है हाल ही में, और जीआरपी और सीआरपीएफ के जवानों को जो है रेलवे के आसपास दिखाई दे रहे हैं नौजवान। और ये जो स्कीम है नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध नगर में तो धारा 144 लागू, और वहीं पर फरीदाबाद के पुलिस डिपार्टमेंट के प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया है कि हम लोगों ने मजबूती से जो है विरोध को लेकर के कड़े इंतजाम किए हैं, और विरोध को जो है रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं पर जो है पूरे भारत को आज बंद करने का ऐलान कई संगठनों के माध्यम से किया गया है, तो विरोध प्रदर्शन कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों को सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही होंगी। आखिर इस योजना का विरोध क्यों हो रहा है? आखिर अग्निवीर योजना जो लाई गई है सरकार के द्वारा, तो जो नौजवान हैं वो लोग किस तरह से अपने भविष्य को देख रहे हैं और किस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं, सारी जानकारी आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को जरूर मिल रही होंगी। इसी बीच में बिहार के मंत्री, हालांकि अभी पूर्व मंत्री हो गए हैं, मुकेश सहनी, उन्होंने भी जो है युवाओं के लिए जो अग्निवीर योजना लाई गई है उसका जो है विरोध कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये युवाओं का भविष्य नहीं है और हम युवाओं के साथ हैं, और युवा जो है शांतिपूर्ण तरीके से देशी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी बात को रखें, और अपनी बात को रखते हुए जो है इस अग्निवीर योजना का विरोध वो लोग कर सकते हैं। साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि जगह जगह पर जो है पुलिस तैनात है, नाकाबंदी की गई है, ब्लॉक किए गए हैं बहुत सारे रास्ते, की युवाओं का गुस्सा जो है देखने को जो मिल रहा था अग्निवीर योजना के विरोध में, काफ़ी प्रदर्शन हुए कई जगह पर, जो है तोड़फोड़ भी देखने को मिली है, बहुत सारी वीडियोज आप लोगों ने देखी होंगी सोशल मीडिया पर। तो अग्निवीर योजना का विरोध बहुत बड़े पैमाने पर जो है भारत के अंदर हो रहा है, और कई सारे संगठनों ने जो है भारत को मिलकर के बंद किया है। आज कई जगह पर भारत बंद देखने को मिल रहा है, और कुछ तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आज भारत बंद की हैं, और सीआरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान भी जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग सतर्क रहें और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें, देश की संपत्ति को नुकसान न पहुँचाएँ, क्योंकि ये देश हमारा है, उस देश की संपत्ति भी हमारी है। हाँ, ये कुछ समय के लिए माना जा सकता है कि कुछ स्कीमें जो है युवाओं के भविष्य को देख करके जो है लाई जा रही हैं, जहाँ पर युवाओं को लग रहा है कि उनका भविष्य बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है इन स्कीमों का विरोध करिए, और निरंतर अपनी बात को रखते रहिए। जैसे किसानों ने इस देश के अंदर आंदोलन किया, चाहे उसमें कितना भी समय लगा हो, 100 दिन लगे हो, 1 साल लगा हो, लेकिन उनकी बात को माना गया। आप लोग भी इस तरह से अपनी बातों को रखिए और देखते रहिए वीआईपी न्यूज टुडे। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट, और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।